हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उज्जैन के बारे में। उज्जैन के प्राचीन इतिहास के विषय में अनेक भ्रांतियाँ हैं। यह निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उज्जैन की नींव सर्वप्रथम किसने डाली। कतिपय विद्वान जन अच्युतगामी को उज्जैनी का बसाने वाला मानते हैं, किंतु प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास भी मौन है। पुराणों के आधार पर उज्जैनी के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रिपुर राक्षस का वध करके भगवान शंकर ने उज्जैनी बसाई थी। इसी प्रकार अवंती खंड में भी विस्तार पूर्वक वर्णन से सनकादि ऋषियों द्वारा दिया नामोल्लेख उज्जैनी बताया गया है। महाकालेश्वर उज्जैन के महाकालेश्वर की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उत्तर भारत की कालगणना का केंद्र बिंदु था ये, और महाकाल उज्जैन के अधिपति आदिदेव माने जाते हैं। महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिणमुखी है। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिणमुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। ओमकारेश्वर में मंदिर की ऊपरी पीठ पर महाकाल मूर्ति की तरह इस तरह मंदिर में भी ओमकारेश्वर शिव की प्रतिष्ठा है। तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन केवल नागपंचमी को होते हैं। विक्रमादित्य और भोज की महाकाल पूजा के लिए शासकीय संदे महाकाल मंदिर को प्राप्त होती रही हैं। वर्तमान में यह मंदिर महाकाल मंदिर समिति के तत्वावधान में संरक्षित है। हरसिद्धि देवी उज्जैन नगर के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हरसिद्धि देवी का मंदिर प्रमुख है। चिंतामण गणेश मंदिर से थोड़ी दूर और रुद्र सागर तालाब के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा हरसिद्धि देवी की पूजा की जाती थी। हरसिद्धि देवी वैष्णव संप्रदाय की आराध्य रही हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद सती की कोहनी यहाँ गिरी थी। गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का बसा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर नगर के मुख्य व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित है। मंदिर का निर्माण महाराजा दौलत राव सिंधिया की महारानी बायजाबाई ने सन 1833 के आसपास कराया था। मंदिर में कृष्ण प्रतिमा है। मंदिर के चांदी के द्वार यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। क्षिप्रा घाट उज्जैन नगर के धार्मिक स्वरूप में क्षिप्रा नदी के घाटों का एक प्रमुख स्थान है। नदी के दाहिने किनारे जहाँ नगर स्थित है, इस पर बने ये घाट स्नानार्थियों के लिए सीढ़ीबद्ध हैं। घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर भी हैं। क्षिप्रा के इन घाटों का गौरव सिंहस्थ के दौरान देखते ही बनता है, जब लाखों करोड़ श्रद्धालुओं यहाँ स्नान करने आते हैं। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।